हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से जो पीएचडी एडमिशन 2022 एंड 2023 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया उसके बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एक बात, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन अपडेट हो रहा है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2022-23। तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए। देन यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है, प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2022-23। तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए। करने के बाद में इसका जो पीडीएफ है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2022-23। ये जो प्रोस्पेक्टस है बहुत ही वास्ट है, इसीलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूँगा। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी दिया गया है। सबसे पहले सीरियल नंबर, देन प्रोग्राम्स नेम, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, देन नंबर ऑफ सीट्स। ओके, मैं सिर्फ प्रोग्राम्स यानी कि डिपार्टमेंट और टोटल नंबर ऑफ सीट्स ही मेंशन करूंगा, बाकी डिटेल्स आप सभी अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5। देन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, देन थियोरटिकल एंड कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री, देन कॉम्पिटिशनल फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। देन मैथमेटिक्स में है 5, देन स्टैटिस्टिक्स में है 2, देन फिजिक्स में है 2, देन बॉटनी में है 5, देन जूलॉजी में है 4, देन बायोकेमिस्ट्री में है 5, देन माइक्रोबायोलॉजी में है 4, देन एग्री बिजनेस, देन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है 2, देन एडुकेशन में है 5, देन फिजिकल एडुकेशन में है 3, देन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है 1, देन एनवायरमेंटल साइंसेस में है 3, देन जियोलॉजी में है 4, देन ज्योग्राफी में है 4, देन ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन में है 5, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस में कोई वैकेंसीज नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट फार्माकोलॉजी में है 3, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है 2, देन मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में है 1, देन पॉलिटिकल साइंस में है 4, देन इंग्लिश में है 4, देन हिंदी में है 2, देन पंजाबी में है 6, देन परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर और ड्रामा में है 4, देन म्यूजिक में है 5, देन लॉ में है 5, देन कॉमर्स में है 1, देन इकोनॉमिक्स में है 6, देन हिस्ट्री में है 5, देन सोशियोलॉजी में है 7 एंड साइकोलॉजी में है 4। ओके, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 124 निकल के आई हुई है। ओके, आपसे वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से वैकेंसी डिटेल्स चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपसे ये बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेंट शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, यानी कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। और मास्टर्स डिग्री में अगर आपके पास में 55% मार्क्स है तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी, उन सभी को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा मार्क्स में। यानी कि उन सभी के पास अगर रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री में अगर 50% मार्क्स भी है तो भी वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सभी ने इनमें से कुछ भी अगर क्वालिफाई करा है या फिर कोई फेलोशिप अगर होल्डर अगर कैंडिडेट्स है तो उन सभी को
एंट्रेंस एग्जाम में छूट मिल जाएगा, यानी कि वो सभी कैंडिडेट्स डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका वेटेज यहाँ पे 70% रखा गया है, 70 मार्क्स, एंड इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स रखा गया है। ओके टोटल दो स्टेजेस में एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, आप सभी को सिर्फ ऑनलाइन में ही अप्लाई करना है। ओके यहाँ पे देख सकते हैं लिंक भी दे दिया गया वेबसाइट का, और यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है, इस लिंक के थ्रू से भी आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट 03/02/2023, नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ पोर्टल 03/02/2023, एंड लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 15/02/2023, यानी कि 3 फरवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट, एंट्रेंस टेस्ट का भी यहाँ पे डेट दे दिया गया है, जो कि है 02/03/2023। नेक्स्ट डेट ऑफ इंटरव्यू ऑनलाइन और फिजिकल, जिसका डेट है 03/03/2023। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का कोई भी डेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ कोर्स वर्क, यानी कि आप सभी का जो कोर्स वर्क का क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगा 20/03/2023 से। ओके नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन और रजिस्ट्रेशन 24/03/2023। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फी टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन UPI और डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपसे कि UPI या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू से ऑनलाइन पेमेंट करना है। ओके और एप्लीकेशन फ़ी कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000, यानी कि 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। देन नेक्स्ट, SC एंड ST के लिए 500, यानी कि 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। नेक्स्ट, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे लिंक फॉर पेमेंट भी दिया गया है, इस लिंक के थ्रू से आप सभी पेमेंट कर पाएंगे एप्लीकेशन फ़ी। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर फॉर PhD प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2022-23, यहाँ पे दिया गया है पूरा फी स्ट्रक्चर दिया गया है। ओके ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस के लिए आप सभी वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हॉस्टल फी स्ट्रक्चर भी दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके तो सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे एक बता दिया है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक फॉर अप्लाई फॉर द एडमिशन, यहाँ पे भी लिंक दिया गया, इस लिंक के थ्रू से भी आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। ओके और यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी आप सभी कर सकते हो। ओके तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है, अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसकी रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेशन पे कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरीके अगर वीडियो अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।